जेनिफर विंगेट के बेहद टू समेत इन दो टीवी शोज पर लगा ताला। रातों रात लिया मेकर्स ने बड़ा फैसला। बंद के चलते टीवी सीरियल्स की शूटिंग ठप हो गई है। ऐसे में पिछले एक महीने से चैनल पुराने टीवी शोज रेड टेलीकास्ट कर रहे हैं। इसी बीच टीवी शोज के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। सोनी टीवी के बेयर टू इशारों इशारों में और पटियाला बेब्स जैसे टीवी शोज को अपीयर करने का फैसला किया जा रहा है। बंद खत्म होने के बाद ये तीनों ही टीवी शोज वापसी नहीं कर पाएंगे। बिजनेस टाइम्स को दिए एक स्टेटमेंट में चैनल ने बताया, सोनी टीवी के तीनों शोज की कहानी फिक्स है, जिसकी वजह से हमको शो के टाइम बाउंडेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। चैनल ने कहा कि मार्च से टीवी शोज की शूटिंग नहीं हुई है, हमें नहीं पता कितने समय बाद काम शुरू होगा। बंद के चलते एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। बेयर टू इशारों इशारों में और पटियाला बेब्स तीनों ही शो की कहानी शानदार चल रही थी। दोबारा प्रसारित करने पर फैंस इन शोज को जरूर पसंद करते, लेकिन अब हम इन तीनों ही शोज के एपिसोड आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मेकर से बातचीत होने के बाद हम लोगों ने यह फैसला लिया। इस बारे में बात करते हुए बेयर टू के निर्माता प्रतीक शर्मा ने कहा कि इस कठिन समय में हम चैनल के साथ है। चैनल ने जो भी फैसला लिया है वो बेयर टू के निर्माता, कलाकार, लेखक और पूरी टीम के लिए सही होगा। वहीं पटियाला बेब्स में लीड किरदार निभा रही अश्नूर कौर ने भी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अश्नूर कौर ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा शो बंद होने जा रहा है। मैं दुखी हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने पटियाला बेब्स में मिनी का किरदार निभाया। बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए पटियाला बेब्स के प्रोड्यूसर ने कहा, बंद के चलते हमें बीच में ही शूटिंग बंद करनी पड़ गई थी। उस समय हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब हम कभी पटियाला बेब्स के सेट पर नहीं जा सकेंगे। वैसे चैनल ने यह फैसला सबकी सहमति होने के बाद ही लिया है। आप कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से इन शोज को बंद होना चाहिए या नहीं। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।